जब बात महंगी चीजों और वस्तु की होती है तो आपके मन में सबसे पहले सोने का ही नाम आता है। सोना वास्तव में महंगी वस्तुओं में ही गिना जाता है। कई देशों में सोना तो उनके राजस्व का हिस्सा भी होता है। पूरी दुनिया इस धातु की दीवानी है। आप किसी से भी पूछें कि सबसे महंगी वस्तु क्या है तो वह एकदम से उसका जवाब सोना ही बोलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो सोने से कई गुना ज्यादा महंगी हैं? नहीं जानते? तो चलिए आज हम आपको उन चीजों से रूबरू करवाते हैं जिनकी कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। इनमें से आखिरी वस्तु की कीमत तो इतनी है कि उसे हम तो क्या कई देशों की सरकारें भी मिलकर नहीं खरीद सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साईमित के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम सोने के अलावा भी दुनिया की 9 सबसे महंगी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ये चीजें इतनी महंगी हैं कि इनकी कीमत को हम सोच भी नहीं सकते हैं। कोकेन, यह जहरीला नशा कई देशों के युवाओं को खा चुका है। यह बहुत देशों में बैन भी है, लेकिन इसकी लत कोई सस्ती नहीं है। 1 ग्राम कोकेन की कीमत 5,000 से 8,000 रुपए तक होती है, यानी 10 ग्राम कोकेन की कीमत 50,000 से लेकर 80,000 रुपए तक होती है, जो सोने की कीमत से बहुत ज्यादा है। हेरोइन, दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक नशा हेरोइन न सिर्फ शरीर बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है। इसकी कीमत 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति ग्राम होती है। सोने से इसका आकलन करें तो इसकी कीमत 10 ग्राम 1,20,000 रुपए के बराबर बैठती है, जो सोने की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। प्लैटिनम, आज के दौर में प्लैटिनम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी कीमत 35,000 रुपए प्रति ग्राम है। प्लैटिनम का इस्तेमाल कैंसर की दवाइयों में भी किया जाता है, इसलिए इन दवाइयों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। रोहडियम, प्लैटिनम के परिवार से ही इसका ताल्लुक है। रोहडियम ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों के इंजन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन में कार्बन बनाने से रोकता है। इसकी कीमत कई गाड़ियों के महंगे होने की भी वजह है। रोहडियम के 1 ग्राम की कीमत 55,000 रुपए से ज्यादा है। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम किसी भी परमाणु हथियार बनाने या इस्तेमाल करने में सबसे जरूरी चीज होती है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक यह 2 प्रकार का होता है, पहला वेपन्स ग्रेड और दूसरा रिएक्टर ग्रेड। सोचिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस पदार्थ के पीछे हों उसकी कीमत क्या होगी। सिर्फ 1 ग्राम प्लूटोनियम की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। यदि सोने की कीमत से इसकी तुलना की जाए तो यह सोने से 100 गुना ज्यादा महंगा है। डायमंड्स, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। सोने से कहीं ज्यादा पसंद किए जाने वाले इस पत्थर की 1 ग्राम की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है। अक्सर इसे कैरेट के हिसाब से बेचा जाता है और इस हिसाब से 1 कैरेट का मतलब 0.2 ग्राम होता है। ट्राइटियम, यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका इस्तेमाल थिएटर, स्कूल, अस्पताल और कई ऑफिस में एग्जिट साइन बनाने में होता है। इस साइन की खास बात यह होती है कि यह हमेशा ही हरे रंग में चमकता रहता है। इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। सोने से इसकी कीमत की तुलना करें तो यह सोने से 900 गुना ज्यादा महंगा है। हैफनियम और टेंटलम आइसोमर्स, परमाणु रिएक्टर्स को ठंडा रखने के काम में आने वाले इन दोनों पदार्थों पर वैज्ञानिकों का बहुत पैसा खर्च होता है। इसकी 1 ग्राम की कीमत किसी के भी पसीने छुटा सकती है। 1 ग्राम हैफनियम
और टेंटलम आइसोमर्स खरीदने के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंटी मैटर एक बेहद ही खास पदार्थ है। इस पर कई देशों के वैज्ञानिक बहुत रिसर्च कर रहे हैं। इस पदार्थ के बारे में कहा जाता है कि यदि यह काफी मात्रा में मिल जाए तो भविष्य में ईंधन की समस्या और स्पेस ट्रैवल बहुत ही आसान हो जाएगा। पर यह इतना महंगा पदार्थ है कि शायद ही पूरी धरती पर यह 1 ग्राम जितना भी किसी के पास हो। वैज्ञानिक गेराल्ड स्मिथ ने इसके 1 ग्राम की कीमत करीब $25 बिलियन आंकी है, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 2 लाख करोड़ के बराबर पहुंचती है। नासा के वैज्ञानिकों ने तो इसकी कीमत $65 ट्रिलियन आंकी है, जो इतनी ज्यादा है कि भारत जैसा देश भी शायद इसे खरीद ना सके।